साथियों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गौरव कुमार टोंडक में। भाइयों, कल हमने जो है इस खेत में से गेहूँ ले गए थे हम निकाल के, और काफ़ी अच्छे गेहूँ हुए। और आज देखो जो ये पुस है, भुस्सा जो है, आज इसको ले जाएंगे। अभी जो हमारे खेत में गन्ना छीलते हैं, जो गन्ना हमारी बुआई करते हैं, असलम छोटन ये सब लोग आ रहे हैं, वही सारा काम कर लेते हैं हमारा, क्योंकि बहुत पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ में, तो लगभग लगभग ज़्यादातर काम वो ही करते हैं। काम तो खैर कोई भी कर लो, पर लेकिन वो उनको कोई काम बताते हैं तो वो तुरंत आ जाते हैं, तो हम उन्हीं से काम करा लेते हैं, वरना तो वो अभी आएंगे। और ये देख लो सारा बारदाना जो है, पल पल्ली, ये पल्ली वगैरह जो है, इसमें ये पुस बांधेंगे वे, फिर उसके बाद इसको जो है हम अपने ट्यूबवेल पे, देखो वो मोटरसाइकिल पे आ गया एक भाई, तो शहजाद नाम है इसका, वो छाया में जो है बाइक खड़ी करके अपनी आ जाएगा। तो इसको ले जाके जो है अपनी ट्यूबवेल पे, हमने इसका पूरा इंतजाम कर रखा कमरे में, नीचे पन्नी वन्नी लगा के, बराबर दीवारों में पन्नी लगा के, और इसको अच्छी तरह से भर देंगे, क्योंकि इस बार भूस का सस्ता भाव है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 900 1000 रुपये कुंटल के आसपास है बस, इससे ज़्यादा नहीं है, तो हम तो इसे अपना घर में भर लेंगे, और उसके बाद जब अच्छे भाव होगा तो निकाल देंगे। देखो दूसरा भाई भी आ गया, ये चार भाई है, धीरे धीरे चारों भाई आ जाएंगे, और उधर वो खेत जो है कट के बंद के तैयार है, कल उसमें जो है उसको निकलवा देंगे गेहूं को। भाई कल मैं ट्रैक्टर की वीडियो तो नहीं बना पाया, क्योंकि मैं जो है कट्टे बंधवाने करवाने में लग रहा था, और क्योंकि गेहूं अच्छे निकले तो जब तक एक कट्टा भर के तैयार करके बांधू था, उसे ट्रॉली में रखते थे, तब तक दूसरा कट्टा भरा ही आ जाता, तो इस वजह से जो है टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन जब उस खेत में जो है, जब मशीन चलेगी तो आपको दिखाऊंगा, उसमें भी वही बीज है, लेकिन उसमें इससे कुछ कम गेहूं निकलेंगे, इसमें और उसमें अंतर है। देखो वे दो भाई और आ गए साइकिल पे, वो आ रहे दोनों, तो चार भाई हो गए, तो चारों ये अपना उसको भरेंगे, और आगे की प्रक्रिया आपको सारी दिखाई जाएगी। भाइयों देखो सामने ये पेड्डी है, अब जब ये काम निपट जाएगा भाइयों, इन्हीं खेतों में लगना है स्प्रे खाद दवाई पानी जो भी डलेगा, अभी तक इन खेतों में पानी नहीं आया, पानी की बहुत ज़रूरत है खेतों में। पर अभी दरअसल क्या है, क्योंकि देखो नाली हमारी वो आ रही, ये नाली यहाँ से ऐसे है ऐसे है, और फिर पक्की नाली वो बराबर में जो है वो जारी, मतलब कच्ची, फिर वहाँ से पक्की, तो इन गेहूं की वजह से इसमें पानी नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि खेत में पानी निकलता ही है, फिर दूसरा खाल में जो है नाली में घास हो रहा वो साफ नहीं हुआ, तो क्योंकि इन खेतों में हम सूखे की बुआई करेंगे, उस खेत में गन्ना लगा देंगे, इस खेत में गन्ना लगा देंगे, फिर उसके बाद इनमें पानी चला देंगे, क्योंकि अगर फिर पानी भी टूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि गन्ना लगाने के बाद इनमें पानी तो चलना ही है, फिर उसके बाद नाली में जो है वो दवाई वगैरह लगा देंगे, वो घास सूख जाएगा, फिर अपना आराम से कोई दिक्कत नहीं। बाकी और सब खेतों में मैंने पानी लगा दिया था, इन सब खेतों में, ये जो ये हमारी बराबर मती बरसी पिट्टी है इसमें पानी दे दिया था, बाकी उधर पौधा गन्ना उसमें दे दिया था, ये सामने पौधा खड़ा जो छिलने वाला है इसमें दे दिया था, बाकी सब खेतों में मैंने अपना पानी लगा दिया, सिर्फ यही खेत बचे हैं तीन जिनमें पानी की ज़रूरत है, और पानी तो इनमें अब से पहले आना चाहिए था, लेकिन मजबूरी यही थी क्योंकि एक हफ्ते से खेत कट रहा था, तो हमें जो है थोड़ा सा ये दिक्कत थी कि इनमें पानी ना टूट जाए, अगर पानी टूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो आगे की प्रक्रिया आपको सारी दिखाऊंगे, देखो तैयार होने लग रहे, रेडी हो रहे, वीडियो पे बने रहे भाइयों। देखो ट्रॉली भर के तैयार होगी, ये देखो हमने गठड़ी बांध दी भर दी इसमें, ये पहली ट्रॉली है, और ये देख लो ये लग रहे हमारे जो है भैया, ये असलम है, ये शहजाद लग रहा, और वो बडल्लू है, और छोटन यो भूस। अब बाकी गठड़ी बांध कर रख देंगे, और फिर उसके बाद जो है इन्हें आके सिर्फ रखने का ही काम रहेगा,
हाँ जी, हाँ जी एवरीबॉडी, बहुत मजा आ रहा है धूल में। धूल में रहा, धूल का तो काम ही है यार। अभी इस पर और गड्डी, अभी इस पर सलाम और रखेगा ऊपर। ठीक, अभी चार पांच गड्डी और रखेंगे। और भाइयों ये हमारा शेर ट्रैक्टर मैसी 245 DI 2018 मॉडल, कमाल का गजब का ट्रैक्टर है। 3 सिलेंडर इनलाइन पंप के साथ में, बहुत ही बढ़िया। इसका इंजन, गेयर बॉक्स, हाइड्रोलिक सब कुछ बहुत बढ़िया है। बस थोड़ी बहुत ये थोड़ी सो है, ये हिलती है 19-20, इसकी दिक्कत है। ये कंपनी को सुधार करना चाहिए। ये इसमें ये ना देखे, ये बहुत गलत है। वो जो लोग आते थे वो सबसे बढ़िया, ये बेकार है, ये बिल्कुल रद्दी है, ये नहीं देना चाहिए इसमें। और दूसरा इसका ये जो बैटरी है, यहाँ यहाँ ना रख के साइड में इसका जुगाड़ करे, वो बैटरी भी यहाँ गलत है। इसका तेजाब सारा ट्रैक्टर पर जावे, इसका कलर ख़राब हो। बाकी और चीज़ तो इसकी ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, एक चीज़ सबसे बड़ी हो रहा है इसमें, इसकी ये जो चैन है, यहाँ चैन की जगह स्टेबार हो, या फिर चैन हो तो ऐसी हो चलते चलते जो अपने आप ही इसकी चूड़ी उतर जा, ये बार बार ढीली होती रहे। रोटावेटर पे बीच बीच में रुक के टाइट करनी पड़े। इसे कितनी टाइट कर लो, इसके जो लोक दे रखे साइड में ये वाले, ये इन्हें कितना भी टाइट कर लो ये नहीं रुकते। बाकी और चीज़ ठीक है। ताकत ट्रैक्टर में बहुत है। छोटा सा ट्रैक्टर है लेकिन ताकत बहुत ज़्यादा है। जैसे शहजाद है तो छोटा सा, पर ताकत इसमें बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा साफ करना ये छीलता है। बाकी ये तीनों भैया तो पत्ती छोड़ रहे हैं आगे में सारी, और यो ठीक छिल रहे हैं। यो आगे भी सही काट रहे हैं, ये गन्ना काट रहे तीनों। तो अब आगे की प्रक्रिया, आगे जब वहाँ उतारेंगे जब दिखाऊंगे आगे। भाई देखो ट्रोले पर चढ़ रहा हूँ ऊपर, और जमा दी। अब लड़के जो है ठहरो, नज़ारा खेतों का, अगली साल के लिए फसल जो है तैयार करेंगे। अब इनमें मेहनत होगी सब में। भाइयों दूसरी ट्रॉली भर के तैयार होगी, ये देखो फिट होगी बिल्कुल। और अभी देखो थोड़ा सा बुझ रहेगा शायद, एक ट्रॉली पूरी तो नहीं होने की। लेबर वही पुरानी। हाँ लेबर तो वही रहेगी यार सजाद। मजा आ रहा। बढ़िया बढ़िया। चलो भाई, और भाइयों हालत देख लो कैसी होगी पसीने में। ये देखो ये चढ़ रहा नीचे भूस। भूस का गंदा काम है भाई, भूस का काम थोड़ा वैसा तो है, पर अब शाम का टाइम हो रहा, अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं। और ऊपर से देख लो आप, सब दूर दूर तक पूरा जंगल खाली हो गया। देखो ये देखो सब बिल्कुल एकदम, ये पीछे रोड, ये देखो, और वो उस साइड में जो है हमारा गांव है बोरा गांव डाहर, तहसील सदरा जिला मेरठ। भाइयों अगली बार में अंधेरा हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भाई एक बात कहनी रह गई थी, अगर किसी को अपना भूस ढुलवाना हो भाई, 500 रुपये बिगा डोरा, ठीक है, किसी को ढुलवाना हो तो ये चार भाई हैं, इनका नंबर जो है पहली वीडियो में है, वो गन्ना बांध रहे थे, वो जाके देख ले और जो है वो अपना भूस ढुलवा ले। 500 रुपये बिगा, कहीं बाहर जाएंगे तो खाना भी देना पड़ेगा ना। अरे